Good morning, student. Today we will study about some additional derivations. First, capacitance of spherical capacitor. Spherical capacitor, you know, the capacitor consists two plates. This is first plate which is positively charged, and other plate by electrostatic induction it will be negatively charged. And it is our A and B are dear radii . This is insulating material. According to Gauss's law, out of this shell will not be any electric field, because plus Q plus minus Q is zero. So net amount of charge enclosed by this Gaussian surface, if we draw a Gaussian surface at a struggle point, then plus Q minus Q is zero. Net amount of charge enclosed by Gaussian surface becomes zero. Under this surface, no charge is enclosed. So here and here, both point under this shell and at the external point of this capacitor, electric field intensity is zero. Now under this point, you know, equal sigma upon epsilon naught R1 upon 4 by epsilon naught Q by R square. Now delta V or V equal minus integral EDR minus sign has no any significant here, because we have to find out only mod. Integral EDR means from B to A, from A to B, and this on V equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q integral 1 by R square dr from A to B. 1 upon 4 pi epsilon naught Q integration of 1 by R square minus 1 by R from A to B. It gives 1 upon 4 pi epsilon naught Q minus 1 by B minus minus plus 1 by A. It is 1 upon 4 pi epsilon naught Q 1 upon A minus 1 upon B. Or V 1 upon 4 pi epsilon naught Q B minus A upon AB. You know, C equal Q by B and C equal 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. This is capacitance of spherical capacitor. Now once again in Hindi, spherical capacitor है, इसकी ये main plate है, जिसको हम positive charge देते हैं. इसकी जो सेकेंड प्लेट है, जिसकी इसके एक्सटर्नल सरफेस को हमने अर्थ दे दिया. आप जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के कारण इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब हम लोग जो है V इक्वल माइनस ई डी आर आप पढ़ चुके हैं, इक्वल डीवी बाई डी आर,
हमको चूंकि इसका माप लेना है इसलिए माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटीग्रल ए टू बी, इसकी एक चीज और है, इसके अंदर आप देखिए अगर हम कोई गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो इसके गॉसियन सरफेस के भीतर इलेक्ट्रिक या जो चार्ज होगा वो चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अब इसके बाहर अगर हम लेते हैं ये गॉसियन सरफेस, अगर इसके बाहर हम खींचते हैं तो आप देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, रिजल्टेंट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, तो चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस जीरो होगा, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, यहाँ भी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों प्लेट्स के बीच होगी, उसको ज्ञात करने के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक। अब ई का ई की वैल्यू रखते हैं 1/4πε02 1/r² ए टू बी इंटीग्रेशन dr, 1/4πε02 r² मीन्स r पावर -2, इसका इंटीग्रेशन -1/r ए टू बी। अब ये चीज हमको मिलती है बच्चों, यहाँ b माइनस ए अपान ए बी ये मिल जाता है हमको, और c इक्वल टू बाई बी, यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे इससे ये ऊपर चला जाएगा 4πε0ab/b-a। और एक चीज यहाँ और आप समझने के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ आप डेल्टा वी जब निकाल रहे हो, जो पॉइंट ये हमने लिखा है, अगर आप डेल्टा वी निकाल रहे हो तो आप लिख सकते हो वी ए प्लस वी बी, आप ऐसे भी कर सकते हो 1/4πε0qr होता है, यहाँ r की वैल्यू a है प्लस 1/4πε0-q/b, और चीज आपको वही मिलेगी 1/4πε0q 1/a-1/b जो यहां हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो यू मे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स यूजिंग दिस फार्मूला और यूजिंग दिस फार्मूला। तो दिस इज द कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ सेकेंड डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो यहां से आप देखिए जैसे एक चार्ज है, आपने पढ़ा हुआ है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर इसके ट्रायल है इक्वली चार्ज, तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज वायर लैम्डा अपॉन 2πε0r। ये देखिए आपका एक गॉसियन सरफेस है या एक सिलेंडर, जो फर्स्ट प्लेट इसके हम बोलेंगे, फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर और ये सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये ए है और दिस इज बी, रिमेंबर इट वी यूज हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां अगर इसकी लेंथ एल है तो चार्ज इस पे जो होगा वो लैम्डा इंटू एल हो जाए, लैम्डा इंटू एल। यहां से आप देखिए वही चीज वही बात होती है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना है
ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आपका। यहां आप मान लेते हैं कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब इसके कारण आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से हम इससे निकालेंगे बच्चों, याद रखिए यहां हम जो भी निकालेंगे वो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सी बाई एन आपको मिलेगा क्योंकि यहां इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यूज करने जा रहे हैं, तो वी इक्वल आपको होगा वही माइनस इंटीग्रल की वी आर फ्रॉम ए टू बी, यहां मॉड ऑफ वी निकालेंगे ये हो जाएगा ए टू बी ई वी आर इक्वल, हम लोगों ने पढ़ा है जो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू डी आर फ्रॉम ए टू बी, लैम्डा इक्वल लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू डी, इक्वल लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई आर या इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल लॉग एक्स लॉग आर ए टू बी, दैट इज और इक्वल लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b माइनस लॉग ए और v पर लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b बाई ए, इट इज बेस की c पर q बाई वी या c बाई एल, q बाई वी c बाई एल इक्वल लैम्डा बाई बी इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग हियर लॉग बी माइनस लॉग ए, कैन बी रिटेन लॉग बी माइनस लॉग ए हियर वी गेट दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। स्टूडेंट्स these two derivations are not in your NCERT book, this is additional derivation, ये additional है, हमने सोचा आपको हम बता दें, it will be useful in completion, capacitance of spherical capacitor equal 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square, आप जानते हैं ऐसा होता है किसी स्फीयर के सरफेस पे, हमको v निकालना है, ये दो स्फेरिकल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज, इसकी रेडियस ए है और इसकी बी, तो हम इंटीग्रेट कर दें इसको ए से बी तक, ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर बी आर हमने कर दिया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r ए टू बी हो गया और ये चीज आपको मिल जाती है। आप इसको डेल्टा यू को ऐसे भी निकाल सकते हो, हमने आपको बताया विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन अब यहां आप देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में इधर अगर हम लीनियर को मान लें कोई वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, तो इसके कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, गॉसियस लॉ में हम लोगों ने निकाला हुआ है इसका फर्स्ट और सेकेंड आपका डेरिवेशन है उसमें, तो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर को ए से बी तक, इसकी रेडियस ए है और इसकी बी है, ए से बी तक, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इसके लिए क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये तो हमने माना हुआ है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा,
कोई चार्ज नहीं होगा अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी, और इसके बाहर भी कोई चार्ज नहीं है क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। तो यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, तो ये वन बाई आर का होगा आर आर, और आर बी माइनस लॉग ए आपका हो जाता है। तो ये भी आपको मिलता है, आप जानते हो सी पर क्यू बाई बी होता है, और सी बाई एल अगर हम करते हैं तो क्यू बाई एल, और ये भी मिलता है क्यू बाई एल लैम्डा है, लैम्डा बाई बी हम निकल गया। अब इससे हम डिवाइड कर दें तो लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा और टू बाई एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।